फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। गाजीपुर थाने की टीम ने दो शातिर झपटमारों को गिरफ्तार किया। पूर्वी दिल्ली जिला की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने मीडिया को बताया, दिनांक 6 जुलाई 2024 को शिकायतकर्ता आर्यन कुमार निवासी महालक्ष्मी गार्डन खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद उम्र 16 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह करीब 6 बजे जब वह क्रिकेट खेलने के लिए स्मृतिवन जा रहा था, तभी अहिल्याबाई गेट सीआरपीएफ कैंप मयूर विहार फेज 3 दिल्ली के पास पीछे से अपाचे बाइक पर सवार दो लड़के उसके पास आए। उन्होंने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से भाग गए। तदनुसार एफआईआर संख्या 233/24 यूएस 304-235 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। डॉट जांच के दौरान इंस्पेक्टर की एक समर्पित टीम बनाई गई। निर्मल कुमार झा एसएचओ गाजीपुर के नेतृत्व में, जिसमें एसआई प्रदीप कुमार, एसआई विनोद, हेड कांस्टेबल मोनू और हेड कांस्टेबल कृष्ण, टीआर बिष्ट, एसीपी मधु विहार के करीबी पर्यवेक्षण में टीम ने स्थानीय जांच की, सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की और सूचना जुटाने के लिए गुप्त मुखबिरों को भी तैनात किया गया। सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर संदिग्धों में से एक दीपक निवासी गोस्वामी गली खिचड़ीपुर गांव दिल्ली उम्र 24 वर्ष की पहचान की गई और उसे उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। अपराध में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल पंजीकरण संख्या DL7SBR1515 उसकी निशानदेही पर बरामद की गई, जो EFIR संख्या 01384224 यूएस 379 IPCPS मंडावली दिल्ली के अनुसार चोरी की हुई थी। बरामद अन्य मोबाइल फोन को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जांच जारी है। डॉट आरोपियों की प्रोफाइल, एक दीपक निवासी गोस्वामी गली खिचड़ीपुर गांव दिल्ली उम्र 24 वर्ष, वह 10वीं कक्षा तक पढ़ा है और मजदूरी करता है। दो शोभित निवासी वेस्ट विनोद नगर दिल्ली उम्र 24 वर्ष, वह 5वीं कक्षा तक पढ़ा है और मजदूरी करता है। डॉट बरामदगी 6 मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल,